जो सीनियर मंत्री है सरकार के ओर से समाधान देने के लिए आया, गृह मंत्री जी को हम सुनेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं उन सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन सम्मानित सदस्यों ने द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर हो रही बहस में हिस्सा लिया है। और मैं कह सकता हूं कि जो भी चर्चा हुई है वह चर्चा बहुत ही सार्थक रही है। जहां तक हमारी सरकार के कमिटमेंट को पूरा करने का प्रश्न है, मैं प्रारंभ में ही इस बात को बल देकर कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि जो भी कमिटमेंट्स किए गए हैं केवल हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी जो कमिटमेंट किए हैं वो हमारी सरकार कमिटमेंट को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है सभापति महोदय, चाहे वो हमारे दल का प्रधानमंत्री हो, हमारे दल की सरकार का प्रधानमंत्री हो अथवा किसी दूसरे दल की सरकार का प्रधानमंत्री हो। संसद में यदि उसका कोई कमिटमेंट है तो उस कमिटमेंट को किसी भी सरकार को पूरा करना चाहिए। और मैं पूरी दृढ़ता के साथ अपने इस बात पर बल देकर मैं कहना चाहता हूं कि सभापति महोदय, वह सब सारे कमिटमेंट्स हमारी सरकार पूरी कर रही है और पूरे करेगी। एक सम्मानित सदस्य ने विचार व्यक्त करते हुए यह कहा कि यदि यह सरकार अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करेगी तो अगली बार यह पार्टी सत्ता में नहीं आने वाली है। पहले तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार का यहां तक प्रश्न है, हम देश के सभी राज्यों का विकास चाहते हैं, चाहे वो हमारे दल की सरकार वहां पर हो अथवा न हो, क्योंकि हम इस हकीकत को समझते हैं जब तक इस देश के सभी राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक हमारे देश के विकास का यह स्वप्न हमारा किसी भी सूरत में साकार नहीं हो सकता है। और दूसरी बात सभापति महोदय, यह भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम लोग राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, इसलिए इस आधार पर कभी नहीं सोचा जाना चाहिए। और मैं पुनः अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं सभापति महोदय कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो भी हमारे प्रॉमिसेज हैं हम उसको पूरी तरह से पूरा करने के लिए कमिटेड हैं। मैं साथ ही यह भी कहना चाहता हूं, न केवल इस एक्ट में किए गए कमिटमेंट्स पूरे हम कर रहे हैं बल्कि एक्ट में जिन चीज़ों की चर्चा नहीं हुई है, जो चीज़ें एक्ट में मेंशन नहीं की गई हैं, उन सारे किए गए इंसेंटिव्स भी आंध्र प्रदेश को दिए जा रहे हैं। इस समय हमारी गवर्नमेंट सारे वह इंसेंटिव आंध्र प्रदेश को दे रही है। और मेरी जानकारी और समझ के अनुसार 90% प्रामिसेस पूरे किए जा चुके हैं और शेष को भी सभापति महोदय किसी भी कीमत पर हम निश्चित रूप से उसे पूरा करेंगे, मैं यह सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक्ट के सेक्शन 93 में यह कहा गया है कि आंध्र प्रदेश के लिए प्रॉमिस किए गए इंस्टीट्यूशंस को 10 साल के भीतर ही स्थापित किया जाना है। अब इस संबंध में प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने भी जानकारी दी है, लेकिन उस बात को यहां पर मैं दोहराना चाहता हूं महोदय कि सदन को इन्फॉर्म करते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि 11 इंस्टीट्यूशंस में से 10 को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है और उनमें से अधिकतर ने काम करना शुरू कर दिया है, इसकी जानकारी हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने दी। लैंड इश्यूज के सेटल होते ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और अन्य दूसरी जो फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की जानी है वह सब सारी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और मैं सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहूंगा कि फंडिंग की कोई भी कंस्ट्रेंट्स नहीं आने देंगे। इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार कड़प्पा बयारम स्टील प्लांट्स और दुगरजा पट्टनम पोर्ट रेलवे जोन आदि जैसे जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं कि फिजिबिलिटी की जांच करने के लिए एक कमेटी भी गठित करेगी। यदि कैटेगोरिकल मैंडेट होता तो चीजें डिफरेंट होती, इसके बावजूद हम एक्ट में उल्लेख किए गए उन सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। और महोदय, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं यहां पर शेयर करना चाहूंगा कि एक्सपर्ट्स कमेटी द्वारा इन्हें फिजिबल नहीं पाए जाने के बावजूद हमने दोनों राज्यों में स्टील प्लांट्स की फिजिबिलिटी को री एग्जामिन करने के लिए टास्क फोर्स
अपॉइंट किया है तथा यह टास्क फोर्स अपना काम इस समय कर भी रहा है। रेलवे जोन के संबंध में कमेटी की रिकमेंडेशंस नेगेटिव थी, किंतु हमने इस इशू को री एग्जामिन करने के लिए कहा है। हम चाहते तो उसको छोड़ भी सकते थे कि एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस जो है पॉजिटिव नहीं है, लेकिन कहा है कि नहीं, यह भी वादा पूरा होना चाहिए, इसलिए फिर से एक्सपर्ट कमेटी को कहा है कि इसे री एग्जामिन करें। महोदय, मुझे भरोसा है कि हम रेलवे जोन को स्थापित करके ही रहेंगे। मैं पूरी तरह से कमिटमेंट करना चाहता हूं, रेलवे जोन वहां पर स्थापित होगा। महोदय, पोलवरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश की लाइफलाइन है, इस हकीकत को सारा देश समझता है। इस सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही तेलंगाना के 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में मर्ज करने के लिए आर्डिनेंस की स्वीकृति प्रदान कर दी थी, ताकि प्रोजेक्ट के लिए कोई लिटिगेशन और भविष्य में किसी भी प्रकार की देरी की संभावना न रह जाए। इससे हमारे सिंसियर कमिटमेंट का भी ये पता चलता है। साथ ही उसके फौरन बाद हमने पहले पार्लियामेंट सेशन में आर्डिनेंस को भी स्वीकृत करवाया है। दूसरी बात यह है कि पोलवरम इरिगेशन प्रोजेक्ट एक सेंट्रल प्रोजेक्ट है और अब तक 6,764 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि यह रिलीज की भी जा चुकी है। हमने राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट के लागू किए जाने के बारे में आंध्र प्रदेश के अनुरोध को भी पूरी तरह से मान लिया है। हम शीघ्र कार्रवाई में विश्वास करते हैं और मुझे भरोसा है चौधरी साहब कि हम इसे रिकॉर्ड टाइम में पूरा कर लेंगे। महोदय, जहां तक फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के वायदे की बात है, तो मैंने पहले ही कहा फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर ने जो भी कमिटमेंट किया है उसका हम सम्मान करते हैं, तो उसमें कुछ जो उनका जो कमिटमेंट था और बाद में 14th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उनके बीच थोड़ा सा एक कन्फ्लिक्ट आ रहा था। 14th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पेज 17 पर पैरा नंबर 2.29 और 2.30 में साफ तौर पर कहा है कि आयोग ने यानी कमीशन ने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के बीच फंड्स के डिवोल्यूशन में कोई भेदभाव नहीं किया है। यह बात फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा इस सम्मानित सदन में भी और अन्य सदन में भी यानी लोकसभा में भी अनेक बार क्लैरिफाई की जा चुकी है। बाद में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री चंद्रबाबू जी नायडू से सलाह मशविरा करने के बाद, जिसकी जानकारी हमारे इस समय के फाइनेंस मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने दी है, सलाह मशविरा करने के बाद सेंटर और स्टेट दोनों ने इस बात की सहमति जताई थी कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बजाय स्पेशल असिस्टेंस दी जाए और उसी के अनुरूप जो दूसरे मंत्रालय हैं तो वो सारे विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रोजेक्ट्स, सैंक्शंस और पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के रूप में लाखों करोड़ रुपए का स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज देने की घोषणा की गई है। अब ये बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ जैसे कि नेशनल हाईवे मिनिस्ट्री द्वारा, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री द्वारा, पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा और डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा जो प्रोजेक्ट थे उसकी मैंने यहाँ पर चर्चा की है। इसके अतिरिक्त फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया था कि सेंटर 14 फाइनेंस कमीशन की अवधि के लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्रदान करेगा देगा। इसकी चर्चा हमारे इसमें पीयूष गोयल जी ने भी की है और हर वर्ष दिए जाने के लिए डेफिसिट अमाउंट का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया था और आंध्र प्रदेश को 2019-20 में समाप्त होने वाली 5 वर्ष की अवधि के लिए रेवेन्यू डेफिसिट के रूप में कुल 22,123 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और यह अमाउंट आंध्र प्रदेश को इस समय दी जा रही है। जहां तक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात है, फाइनेंस मिनिस्टर और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच यह सहमति हुई थी कि आंध्र प्रदेश को यदि सेंट्रल स्कीम्स में स्पेशल स्टेटस दिया जाता है तो उसे जो राशि प्राप्त होती उसकी डिफरेंशियल अमाउंट राज्य को दी जाएगी। इसे यूं समझा जा सकता है कि नॉर्मल स्टेटस को 60:40 के रेशियो से और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को 90:10 के रेशियो से वह राशि यानी वह फंड दिया जाता और उसी के अनुरूप
यह सहमति हुई थी कि करीब 3000 करोड़ रुपए से 3200 करोड़ रुपए तक की यह राशि आंध्र प्रदेश को इस आधार पर दी जाएगी, और यह भी सहमति बनी थी कि यह धन एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स के जरिए दिया जाएगा ताकि कोई इमीडिएट बर्डन न पड़े और लोन केंद्र के द्वारा रिपे किया जाएगा, लोन केंद्र सेंटर के द्वारा रिपे किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने सितंबर 2016 में इस अरेंजमेंट पर अपनी कंसेंट भी दी। फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स के जो उस समय रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बैठ वो थे और मंत्री भी थे हमारे वाईएस चौधरी ने 8 सितंबर 2016 को एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया था, और मीडिया के जरिए चीफ मिनिस्टर ने भी असेंबली में इसका स्वागत किया था, और उन्होंने असेंबली में स्पष्ट स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि स्पेशल कैटेगरी कोई संजीवनी नहीं है और इसकी तुलना में जो स्पेशल असिस्टेंस अधिक यूजफुल है, यह स्वयं अपने स्टेटमेंट में उस समय के चीफ मिनिस्टर ने कहा था। अध्यक्ष जी, मैं यह भी यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि स्पेशल कैटेगरी और स्पेशल इंडस्ट्रियल इंसेंटिव से डिफरेंट है। स्पेशल कैटेगरी का यह अर्थ नहीं है कि आपको स्पेशल इंसेंटिव ही मिलेगा। तेलुगु स्टेट्स को इंडस्ट्रियल इंसेंटिव देने का जो वादा किया गया था वो पहले ही पूरा किया जा चुका है। अभी तक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत 1050 करोड़ रुपए की राशि आंध्र प्रदेश को दी जा चुकी है। हमारे गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत केवल 150 करोड़ दिया गया है, लेकिन 150 करोड़ नहीं बल्कि 1050 करोड़ दिया गया है। आजाद साहब, राजधानी के बारे में जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने DPR प्राप्त होने से पहले ही और पहले वर्ष में ही 1000 करोड़ रुपए की अपनी मंजूरी दी थी, और बाद में जब DPR प्राप्त नहीं हुई तो इसका उपयोग गुंटूर के लिए कैपिटल रीजनल डेवलपमेंट एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और विजयवाड़ा में वाटर और ड्रेनेज स्कीम्स के लिए किया गया। और इसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कैपिटल डेवलपमेंट हेतु 1500 करोड़ रुपए की राशि भी उस समय रिलीज कर दी थी। प्रस्ताव तथा वित्तीय स्थिति के आधार पर सभापति महोदय केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से राजधानी को रेल सड़क से जोड़ने तथा अन्य प्रयोजनों सहित अतिरिक्त राशि भी दी है। और सभापति महोदय, समस्या केवल एक ही है। हालांकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स के लिए सहमत थे, किंतु बाद में उन्होंने यह कहकर अपने इरादे को संभावित विलंब के कारण बदल दिया, और वे चाहते थे कि डिफरेंशियल राशि यह ग्रांट के रूप में दी जानी चाहिए, अनुदान के रूप में दी जानी चाहिए। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर ने यह महसूस किया कि संबंधित राज्य तथा केंद्र की FRBM की लिमिटेशंस के कारण यह कार्य सीधे सीधे नहीं किया जा सकता है, जैसी जानकारी हमारे श्री पीयूष गोयल जी ने भी दी। और वित्त मंत्री उस समय चाहते थे कि राज्य सरकार यह स्पेशल पर्पज व्हीकल तैयार करे ताकि राशि स्पेशल पर्पज व्हीकल को ट्रांसफर की जा सके, और इस बारे में उस समय के जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी थे 6-7 फरवरी 2018 को ही चर्चा के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों को यह बात बता भी दिया था। अभी तक राज्य सरकार का कोई जवाब नहीं आया है, अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। कारण तो उन्हें ही अच्छी तरह पता होगा। बाद में TDP ने NDA सरकार से समर्थन वापस लिया और सरकार ने में से अपने मंत्री भी हटाए, और मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक दल होने के नाते इस प्रकार का वह फैसला ले सकते हैं, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और किसी को इस पर कोई कमेंट नहीं करना भी नहीं चाहिए। और अन्य मुद्दों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई मुद्दों का समाधान हो गया है सभापति महोदय, जो कि आपकी भी जानकारी में है, और कई मुद्दों पर चर्चा इस समय चल रही है। इसलिए यह कहा जाए कि जिन मुद्दों पर चर्चा चल रही है कि हमारे बहुत सारे ऐसे इशूज छूट गए हैं जिन पर किस गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की है, यह कहना उचित नहीं होगा। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से इस सदन को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसमें व्यक्तिगत तौर पर भी मैं रुचि लूंगा,
मैं पर्सनली भी मैं देखूंगा, मैं इंटरेस्ट लूंगा इस मामले में, तथा मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि एक रीजनेबल एग्रीमेंट पर पहुंचें, क्योंकि कोई भी उन पर यूनिलेटरली कुछ भी नहीं थोप सकता है। दोनों चीफ मिनिस्टर हैं, बड़ी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि एक्ट में किए गए वायदों को, एक्ट में किए गए वादों को अक्षरशः इन लेटर एंड स्पिरिट इसे लागू किया जाएगा। और सभापति महोदय, केंद्र के विभिन्न मंत्रियों ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के दौरे किए हैं, परियोजनाओं की आधारशिलाएं भी रखी हैं, तथा परियोजनाओं और वायदों का ध्यान सरकार की तरफ से रखा जा रहा है, चाहे यह पावर प्रोजेक्ट्स हों, रेलवे के हों, रोड्स हों, पोर्ट्स हों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, अथवा डिफेंस इंस्टीट्यूट्स के हों, अथवा अन्य कोई प्रोजेक्ट हों। मैं संबंधित सभी व्यक्तियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मुद्दे का को पॉलिटिसाइज न किया जाए, बल्कि भारत सरकार द्वारा किए गए जो भी अब तक कार्य हैं सचमुच उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और जहां तक टीडीपी का प्रश्न है, सभापति महोदय, चौधरी साहब ने अपना सिर नीचे किया हुआ है, इसलिए सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं कि कोई इस गवर्नमेंट के साथ है अथवा नहीं है इस आधार पर कोई विचार नहीं होगा और इस आधार पर कोई फैसला नहीं होगा। और हम विश्वास दिलाते हैं तेलुगु लोग, तेलुगु पीपुल्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमें जो भी करना पड़ेगा हम वह सब कुछ करेंगे और हर प्रकार की सहायता प्रदान करेंगे और अक्षरशः जो हमारे वादे हैं हम अपने वादों को पूरा करेंगे। धन्यवाद।